हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रिज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 56 से। इससे पहले हमने वर्कशीट 55 तक कंटिन्यू किया था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 56 को, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, मेक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको क्वेश्चन बनाने हैं जो कि वर्ड्स में गिवन है। डब्ल्यू एच वर्ड्स, व्हाट जिसका अर्थ होता है क्या, हु जिसका अर्थ होता है कौन, हाउ मैनी काउंट्स के लिए, ठीक है, जिन भी वस्तुओं को आप काउंट कर सकते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे हाउ मैनी का। एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है, यहाँ हो जाएगा आंसर माई नेम इज़ गौरी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट है देयर आर फोर ट्रीज, तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा फोर ट्रीज है, काउंटेबल है, तो यहाँ हो जाएगा हाउ मैनी ट्रीज आर देयर। दिस इज़ अ कैमल, यहाँ हो जाएगा व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, चिल्ड्रन कहाँ पर है, पार्क में, तो यहाँ हो जाएगा हु आर इन द पार्क, कौन है पार्क में। नेक्स्ट है देयर आर टू बॉयज, यहाँ दो लड़के हैं, तो यहाँ हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज आर देयर। पवन इज अ गुड बॉय, पवन एक अच्छा लड़का है, यहाँ हो जाएगा हु इज अ गुड बॉय, कौन है अच्छा लड़का। माई बैग इज हैवी, मेरा बैग भारी है, यहाँ हो जाएगा वॉट इज हैवी, क्या भारी है। आरती इज प्लेइंग विद अरुण, आरती खेल रही है अरुण के साथ, तो यहाँ हो जाएगा हु इज प्लेइंग विद अरुण, अरुण के साथ कौन खेल रहा है। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पापा एक टीचर हैं, तो यहाँ हो जाएगा हु इज अ टीचर, कौन है टीचर। तो इस तरह से हो जाएगा ये वर्कशीट 56, जिसमें आपने यूज करा व्हाट, हु और हाउ मैनी का, जिससे रिलेट किया आपने फ्रेमिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 57, जिसमें है क्वेश्चन चूज दी Choose and write describing words from the box. Adjective, ठीक है, आपको adjective को find out करना है, जो कि हमने पहले बहुत बार देख चुके हैं, जिनकी definition क्या होती है, जो noun pronoun की विशेषता बताते हैं वो होते हैं adjective, जो noun pronoun की विशेषता यानी कोई ना कोई उनकी personality के बारे में अगर बता रहे हैं, यानी कि जैसे वो लंबा है, छोटा है, भद्दा है, सुंदर है, कैसा है, ठीक है, वो कितने legs हैं, कितने ट्रीज हैं, तो कोई भी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव, जिन्हें हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आपको दिए गए वर्ड्स में से चूज करना है एडजेक्टिव को और लिख देना है यहाँ पर ब्लैंक में। तो यहाँ पर है देखिए, राज एक नाउन है, तो इसे छोड़ देंगे, स्मॉल स्मॉल बॉय, स्मॉल गर्ल, ठीक है, तो छोटा क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। ईजी सरलता, ठीक है, वीप रोना। नेक्स्ट है वीक कमजोर, ठीक है, यहाँ पर वीप को छोड़ देंगे हम, ठीक है, वीप एडजेक्टिव नहीं है, वीप यानी वीप एक क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर इसे नहीं लिखेंगे, वीक कमजोर। ग्रीन सॉफ्ट, हैवी थिन, हैप्पी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव, बाकी सभी क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, और वर्ब भी हैं, जैसे वीप एक वर्ब है, रोना, ठीक है। इसी तरह से पिकॉक, राज ये क्या है, नाउन है। अमित, अलवर भी एक नाउन है। स्विम एक नाउन है, तैरना, ठीक है, तो इन्हें छोड़ देना है, सिर्फ एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होता है वर्कशीट 57 का सॉल्यूशन, डन। अब देखेंगे वर्कशीट 58, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। आपको अरेंज करना है सेंटेंसेस में वर्ड्स को, ठीक है, जंबल वर्ड्स दे रखे हैं जिन्हें आपको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। जैसे बुक डज नॉट राम हैव, यहाँ हो जाएगा राम डज नॉट हैव बुक, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। जैसे कोट आई नॉट हैव डू, यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट हैव कोट। नेवर इज राधा लेट, राधा इज नेवर लेट। सिंग आई वेल कैन, यहाँ हो जाएगा आई कैन सिंग वेल। रेनिंग इट वॉज, यहाँ हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। रीडिंग बुक्स सीमा लाइक्स, यहाँ हो जाएगा सीमा लाइक्स रीडिंग बुक्स, फुल स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन है रीअरेंज लेटर टू मेक करेक्ट वर्ड। आपको जंबल लेटर्स गिवन है जिनमें आपको करेक्ट करना है वर्ड्स में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ ही जाएगा इन लेटर्स से कि कौन सा वर्ड बनेगा। जैसे एफ यू टी यू आर दे रखा है, यहाँ इससे बन जाएगा एफ यू टी आर ई फ्यूचर। पी ई सी ई ए से बन जाएगा पी ई ए सी ई पीस यानी शांति। ए आर एन डो डी ओ यू से बन जाएगा अराउंड, ए आर ओ यू एन डी अराउंड यानी चारों ओर। प
POEPLE से बन जाएगा POPLE पीपल लोग, ANMILE से बन जाएगा ANIMAL एनिमल जानवर, CATPAIN से बन जाएगा CAPTAIN कैप्टन कप्तान। ठीक है, तो ये होता है वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 59 जिसमें यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद हरसेल्फ और हिमसेल्फ। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन को रिफ्लेक्स कर रहे हैं, यानी हर और हिमसेल्फ हिम। ये है क्या है प्रोनाउन, हर यूज होता है गर्ल के लिए, हिम होता है बॉय के लिए, तो यहाँ उन्हीं को शो ऑफ कर रहे हैं हरसेल्फ और हिमसेल्फ। जैसे रवि कंप्लीटेड द होमवर्क ब्लैंक, अब रवि कंप्लीट करता है होमवर्क खुद के द्वारा, खुद को रिफ्लेक्स करने के लिए यहाँ पर यूज होएगा हिमसेल्फ का, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ आ जाएगा यहाँ पर रवि के लिए। रानी ब्रॉट द बुक्स हरसेल्फ, रानी खुद से खरीद सकती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हरसेल्फ, रानी के लिए हरसेल्फ हो जाएगा। शी कलर्ड द पिक्चर हरसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ हो जाएगा। द मैन हिट हिमसेल्फ, द मैन के लिए हो जाएगा हिमसेल्फ। द बॉय लिफ्टेड द बॉक्स हिमसेल्फ, बॉय उठा सकता है बॉक्स को खुद के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा द बॉय के लिए। द गर्ल कुक्ड फूड हरसेल्फ, कुक बना खाना बनाती है गर्ल खुद से, ठीक है, खुद के द्वारा, तो यहाँ पर होता है हरसेल्फ का यूज़ द गर्ल के लिए। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आपको अगेन यूज़ करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ब्लैंक्स में। आई बॉट दी बनानास माई सेल्फ, मैं खुद के द्वारा खरीद सकता हूँ बनानास, ठीक है, तो यहाँ माई सेल्फ हो जाएगा आई के लिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यू के लिए हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, तुम्हें अपना काम खुद तुम्हारे द्वारा स्वयं के द्वारा करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्स, हमें अपना काम हमारे द्वारा करना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा वी के लिए आवर सेल्स। राजेश हेल्प्ड हिमसेल्फ, राजेश ने हेल्प की खुद की हेल्प की खुद से, ठीक, तो हिमसेल्फ हो जाएगा राजेश के लिए। दुर्गा वेंट टू दिस सिटी हरसेल्फ, दुर्गा गई सिटी खुद से, तो यहाँ हो जाएगा दुर्गा के लिए हरसेल्फ। द डॉग किक द बॉल, अब डॉग है तो यहाँ पर आपको नहीं पता है कि वो मेल फीमेल है, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं जानवरों के लिए हमेशा इट्स सेल्फ का, और इट का यूज़ करते हैं प्रोनाउन के तौर पर, और इट्स सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द डॉग के लिए। ठीक है, तो ये होता है डन वर्कशीट 59। अब देखेंगे वर्कशीट 60 जिसमें है कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब, सिंपल पास्ट फॉर्म में आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, जहाँ पर आपको वर्ब लगाना है वहाँ पर वर्ब लगाइए, जहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म दिख रही है वहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ और ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस, सभी स्टूडेंट जो है क्लास फिफ्थ के हमारे स्कूल के वो गैदरिंग हुए प्रिंसिपल ऑफिस में, पास्ट फॉर्म में बात चल रही है तो यहाँ पर वर हो जाएगा, और स्टूडेंट्स है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर प्लूरल के लिए आ जाएगा वर। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन, द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स, आपको सिंपली सेकेंड फॉर्म को चूज करना है, टेक का हो जाएगा टुक, टेक टुक टेकन, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। द रनर्स टुक देयर पोजिशन, कोच ब्लू द विसल, कोच ने बजाई विसल। वन स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल रेन फास्ट, कैसे भागा, बहुत तेजी से भागा। एंड केम फर्स्ट, और फर्स्ट आया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने अपना बेस्ट किया। एंड आर स्कूल विंस द ट्रॉफी, हमारे स्कूल ने जीती ट्रॉफी। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, सभी कैसे थे, खुश हुए। ठीक है, फील का हो जाएगा फेल्ट। तो इस तरह से आपको सेकंड फॉर्म में इसे कंप्लीट करना था पैराग्राफ को। ठीक है, सिंपल पास्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन जिसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, जैसे कीर्ति स्तंभ वॉज, किसने बनाया कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा ने, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल का बिल्ट, कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। We went to the station but the train had gone, हम पहुँचे स्टेशन पर जब तक जा चुकी थी ट्रेन, पर ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रेड्स ब्लैंक हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, बहुत लंबे समय से एक ग्रुप था रेड्स का जो खुशी से रहता था फॉरेस्ट में।
यहाँ लिफ्ट हो जाएगा लीव का। इंडिया वॉन दी मैच यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा इंडिया वॉन दी, इंडिया ने जीता मैच कल रात, कल, ठीक है, पिछले कल को हम बोलते हैं यस्टरडे और आने वाले कल को क्या बोलते हैं टुमारो, जो कि फ्यूचर टेंस में रहता है। नेक्स्ट है वी ब्लैंक बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट भी शो करता है कि पास्ट फॉर्म में ही बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा सेलिब्रेट का, सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने सेलिब्रेट की बर्थडे पार्टी पिछली नाइट को। तो ये होता है डन वर्कशीट 60, जिसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को, वो देखा। आप देखेंगे असेसमेंट नंबर 8। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है मेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर, आपको व्हाट हु हाउ मैनी से क्वेश्चन बनाना है, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में ही देखा है। हाउ मैनी का काउंट के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट अर्थात क्या और हु यानी कौन। देयर आर 50 रूम इन दी होटल, तो यहाँ हो जाएगा हाउ मैनी रूम्स आर इन दी होटल, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दिस इज अ प्रिंटर, यहाँ हो जाएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक प्रिंटर है। रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड क्वेश्चन है चूज एंड राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स, आपको बॉक्स में से चूज करने हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव, जो कि विशेषता बताते हैं नाउन प्रोनाउन की। तो यहाँ हो जाएगा सैड, फैटी, रफ, रफ सरफेस है ना, बिग, बड़ा, ब्यूटीफुल, सुंदर, तो ये क्या है एडजेक्टिव। अब आप बोलेंगे अनुज क्यों नहीं है, जयपुर क्यों नहीं है, तो जगह का नाम है जयपुर, अनुज है किसी लड़के का नाम, ठीक है, स्टूडेंट्स भी नेम है, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा जो कि, ठीक है, तो यहाँ इन्हें छोड़ देंगे और बाकी सभी को लिख देंगे। इरेजर एक थिंग का नेम है, ठीक है, तो यहाँ पर सैड, बिग, फैटी, ब्यूटीफुल, रफ क्या है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिन्हें कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना है सेंटेंस में। वॉज निखिल पॉट ऑफ मेकिंग, यहाँ हो जाएगा निखिल वॉज मेकिंग अ पॉट। अ दे मास्क डेली वियर, यहाँ हो जाएगा दे वियर मास्क डेली। रीअरेंज लेटर्स टू मेक करेक्ट वर्ड, आपको रीअरेंज करना है लेटर्स को वर्ड्स में, यहाँ हो जाएगा MNOKEY से MONKEY मंकी यानी बंदर, यहाँ हो जाएगा STERCOO से SCOOTR, यहाँ हो जाएगा SCOOTR स्कूटर, ठीक है, तो यहाँ ये इसे हटा देना है, आपको डबल लिखा ही आ गया है, ठीक है, स्कूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा FRIEND फ्रेंड यानी मित्र, और AINTR से बन जाएगा TRAIN ट्रेन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है फिर इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अ स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट ईट, अब स्मॉल चाइल्ड के लिए ये लिखेंगे हिमसेल्फ, अ स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट ईट हिमसेल्फ, यहाँ पे इस सेल्फ भी आ सकता है क्योंकि आपको नहीं पता है कि छोटे बच्चा गर्ल है या बॉय है, ठीक है, तो यहाँ पर हर सेल्फ हिमसेल्फ की जगह अगर आपको यूज़ करना हो तो इस सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं आप। ट्रीज कैन मेक देयर फूड themselves, ट्रीज कैसे बनाते हैं अपना फूड खुद के द्वारा। कल्पना हैज अ कार एंड शी ड्राइव herself, कल्पना के पास एक कार है और वो ड्राइव करती है खुद से, ठीक है। आई कुक my फूड एंड वॉश क्लॉथ्स myself, मैं अपना खाना स्वयं बनाती हूँ और मेरी क्लॉथ्स जो कपड़े हैं वो भी मैं स्वयं धोती हूँ। आई शुड कम्प्लीट ऑल दी वर्क बाय You should complete all the work by yourself. तुम्हें अपना काम जो है वो खुद के द्वारा कंप्लीट करना चाहिए, तो यहाँ पर यू के लिए हो जाएगा yourself. सिक्स क्वेश्चन है कंप्लीट the पैराग्राफ विद the करेक्ट वर्ब, यानी सिंपल पास्ट में आपको फिल करना है पैराग्राफ को सिंपल पास्ट वे में, जैसे आपने पिछली बक्शिश में देखा था। तो यहाँ देखिए, वन अर्ली मॉर्निंग अ किड हियर्ड अ वॉइस इन अ गार्डन, एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी गार्डन में। दैट वॉइस वॉज स्वीट, कैसी थी वो वॉइस, बहुत अच्छी सुंदर सी थी, स्वीट थी, प्यारी सी। द किड इन्जॉयड द म्यूजिक, किड कैसे कर रहा था, इन्जॉय कर रहा था म्यूजिक को। देयर वॉज अ सिंगर, ही प्ले विद हर, वहाँ पर एक सिंगर था जो कि वह उसके साथ खेल रहा था। शी सेंग हर सॉन्ग फॉर दैट किड,
जो देयर वॉज अ सिंगर, वहाँ पर एक सिंगर थी, ही प्ले विद हर, वो बच्चा जो है वो उसके साथ में खेल रहा था, यानी वो जो सिंगर है वो शी है, ठीक है, वूमन है, कोई गर्ल है, यहाँ हो जाएगा शी सेंग अ सॉन्ग फॉर दैट किड, वो गा रही थी उस बच्चे के लिए गाना। द किड क्लैप्ड, किड ने क्या किया, क्लैप किया, ताली बजाई, शाउटेड लाउडली, और चिल्लाया जोर से विद जॉय, हैप्पीनेस के साथ। दे प्रोमिस टू मीट अगेन, और उन्होंने प्रोमिस किया कि वे दोबारा मिलेंगे। द किड थैंक हर फॉर अ लवली सॉन्ग, और किड ने थैंक यू किया उससे एक प्यारे सॉन्ग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपल पास्ट फॉर्म में, जिसमें सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म आता है वर्ब की, तो यहाँ पर वो यूज़ करनी थी आपको, और वॉज वर्ब में से यूज़ करना था जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस के लिए, तो इस तरह से आपको यूज़ करना था, सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर्ब, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना था। तो ये होता है आपका असेसमेंट नंबर 8 का सॉल्यूशन डन। तो इस वीडियो में हमने देखा असेसमेंट नंबर 8, वर्कशीट 60, वर्कशीट 59, वर्कशीट 58, वर्कशीट 57, वर्कशीट 56 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।